आज का हमारा जो डिस्कशन है वो यूनाइटेड नेशन से संबंधित है। सन 1942 में 50 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर यूनाइटेड नेशन की रूपरेखा तैयार की गई थी, लेकिन 24 अक्टूबर 1945 को ये अस्तित्व में आया जब प्रमुख देश जैसे कि चाइना, यूएसए, यूके, रूस, फ्रांस और हम अन्य सदस्य देशों ने अपनी सर्वसम्मति के द्वारा ये जो प्रारूप है इसको अपनी स्वीकृति दी और इस प्रकार 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई। तो जब से प्रति वर्ष 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, अगर हम ओरिजिनली देखें तो इसकी जो फाउंडिंग मेंबर हैं वो 51 देश हैं। एक्चुअली पोलैंड ने काफ़ी बाद में इसकी स्थापना में भाग लिया, लेकिन इसे फाउंडिंग मेंबर का दर्जा प्राप्त है, इसलिए यूनाइटेड नेशन के जो ओरिजिनली फाउंडिंग मेंबर है उनकी संख्या 51 है। यूनाइटेड नेशन को इसका ये नाम उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा दिया गया था। यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियली 6 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है जिसमें इसका कार्यवाही की जा सकती है, जो कि इस प्रकार है: चीनी, रशियन, अरबी, फ्रेंच, अंग्रेजी और स्पेनिश। लेकिन काम जो होता है केवल 2 भाषाओं अंग्रेजी व फ्रेंच में ही होता है। अभी 193 देश जो हैं यूनाइटेड नेशन के सदस्य हैं, इसमें अभी जो सबसे लास्ट वाला जो देश है जो इसका भाग बना है वो सन 2011 में दक्षिण सूडान बना है, और दक्षिण सूडान के जुड़ने के साथ ही इसकी जो सदस्य संख्या हुई है वो 193 हो गई है। यूनाइटेड नेशन का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है, और हमारा जो यूनाइटेड नेशन है उसके 6 प्रमुख अंग हैं। एक तो है, पहला है जनरल असेंबली जिसको महासभा कहते हैं, दूसरा है सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा है इंटरनेशनल कोर्ट, चौथा है हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जिसको आर्थिक एवं सामाजिक परिषद भी कहते हैं, और इसके बाद आता है हमारा प्रन्यास परिषद जिसको ट्रस्टीशिप कहते हैं, और लास्ट जो है जिसे सचिवालय कहा जाता है, इसे सेक्रेटरिएट के नाम से भी बोलते हैं। इन 6ों में से केवल हमारा जो इंटरनेशनल कोर्ट है वो न्यूयॉर्क के बाहर स्थित है, यानी कि वो हमारे नीदरलैंड के हेग में स्थित है। बाकी ये जो 5 भाग हैं वो हमारे इसके जो मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में वहीं पर स्थित है। अब हम जनरल असेंबली के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें सभी देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसे विश्व की लघु संसद कहते हैं। प्रत्येक देश इसमें 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परंतु इनका जो वोट होगा केवल एक ही होगा। और इसका जो काम है महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे सुरक्षा और शांति से जुड़े मुद्दे, नए सदस्यों के प्रवेश एवं उनका निर्वाचन करना, बजट का निर्णय करना, ठीक, आदि सब के लिए अपना प्रस्ताव पास करना और उसे 2/3 बहुमत द्वारा पास कराना, ये सब महत्वपूर्ण काम महासभा का होता है। इसका जो सत्र है वो हर साल दिसंबर माह के तीसरे मंगलवार को शुरू होता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो महासभा है इसकी अध्यक्षता जो होती है वो 5 हमारे भौगोलिक ग्रुप जो हैं या भौगोलिक समूह जो है, भौगोलिक देशों के जो समूह हैं उनमें हमेशा रोटेट होती है। ये जो समूह हैं इस प्रकार हैं जैसे कि अफ्रीका, एशिया, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका, पश्चिम यूरोप और हमारा एशिया और अदर स्टेट, इनके बीच में हमेशा रोटेट होती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो हमारे भारत को भी महासभा की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ है। सन 1953 में भारत की जो श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जी थी वो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 193 सदस्य देशों में से अर्जेंटीना जो है वही केवल एकमात्र देश है जिसे महासभा की अध्यक्षता का अवसर 2 बार प्राप्त हुआ है। अगर हम करेंट अफेयर में देखें तो अभी जो इस साल जो सितंबर का सत्र होने वाला है
उसके लिए अध्यक्ष जो जनरली वैसे जून से ही चुन लिया जाता है, तो वह है डेनमार्क के मोगेंस लिके टॉफ्ट, जो 70वीं ये सत्र के महासभा के सत्र के अध्यक्ष होंगे। इसके पहले के जो अध्यक्ष थे यानी 69वीं जो सत्र था उसके अध्यक्ष जो थे वो युगांडा के सेम थे। अब हम इसके जो दूसरा महत्वपूर्ण अंग है वो है सिक्योरिटी काउंसिल, उसके बारे में बात करते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 जो स्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनका जो चुनाव होता है प्रत्येक 2 वर्ष के लिए महासभा द्वारा किया जाता है। ये जो 5 महत्व जो स्थायी सदस्य हैं वो है चाइना, रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका है, और इन्हीं के वो वीटो पावर भी है। अब हम तीसरे महत्वपूर्ण भाग पर डिस्कस करते हैं, जो कि आर्थिक और सामाजिक परिषद है। एक्चुअली इसके पहले शुरुआत में जो सदस्य देशों की संख्या थी 18 थी, लेकिन अभी 54 है। ये एक स्थायी संस्था है जिसके सदस्य को जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष पदमुक्त होते हैं और इनके स्थान पर नए राज्य या नए देश जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं। इसकी जो अध्यक्ष इसका जो सत्र होता है साल में 2 बार होता है, एक बार अप्रैल में होगा जो कि न्यूयॉर्क में होता है, और दूसरा जो होता है जुलाई में होता है जो कि जेनेवा में होता है। ये परिषद जो अपना काम है विभिन्न प्रकार की समितियों विशेष संस्थाओं के माध्यम से करती है, जैसे कि यूनिसेफ। यूनिसेफ इसकी एक महत्वपूर्ण संस्था है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, जिसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष के नाम से जाना जाता है। अब हम तीसरे महत्वपूर्ण अंग सॉरी अब हम चौथे महत्वपूर्ण अंग जो इसका प्रन्यास परिषद है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जिसको इंग्लिश में ट्रस्टीशिप के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली इसका जो मुख्य एम है, हम एक्चुअली हुआ यह था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद ऐसे कई देश थे जो कि बहुत ही अल्पविकसित थे और अपने देश का शासन तक वो नहीं कर सकते थे या अपने देश की स्वतंत्रता को वो संभाल नहीं सकते थे, तो ऐसे देशों की मदद करने के लिए ये काउंसिल या परिषद बनाई गई थी, जो जिसका जो क्या करती थी इन देशों की जिम्मेदारी कुछ विकसित देशों को दे देती थी जो इन पर प्रशासन या शासन करते थे बिना इनका शोषण किए, और उनको इस प्रकार से डेवलप करते थे कि जब तक ये इंडिपेंडेंस या अपने देश का शासन ग्रहण करने में या शासन करने में सक्षम ना हो जाए तब तक ये उनके ऊपर शासन करते थे, और फिर जब ये इंडिपेंडेंट ग्रहण करने लायक हो जाते थे तो उन्हें उनका शासन दे दिया जाता था। तो लेकिन एक्चुअली पहले ही जो ऐसे देश थे उनकी संख्या 11 थी, लेकिन अब 1994 को लास्ट देश था जिसका नाम पलाऊ था वो स्वतंत्र हो गया। इसके साथ ही इस परिषद का काम जो है लगभग समाप्त हो चुका है। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को नीदरलैंड के हैग में की गई थी। इस न्यायालय की जो संविधान है उसमें 5 अध्याय हैं और 70 अनुच्छेद हैं। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 है जो कि 9 सालों के लिए चुने जाते हैं, और जिनमें से 5 प्रत्येक 3 साल में पदमुक्त हो जाते हैं। कोई भी न्यायाधीश जो है एक ही देश इसमें कोई भी 2 न्यायाधीश जो होते हैं एक ही देश के नहीं हो सकते हैं, और न्यायाधीश जो होते हैं अपने में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। कोई न्यायालय में किसी भी मुकदमे की जो संचालन या कार्रवाई के लिए 9 9 जजों की उपस्थिति अनिवार्य है, और इस न्यायालय की जो सरकारी भाषाएं हैं इसमें जिसमें इसका काम होता है वो फ्रेंच और इंग्लिश है। अब हम सचिवालय के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो सचिवालय होता है वो यूनाइटेड नेशन के जो दिन प्रतिदिन के काम होते हैं उनको निपटाता है, और जो सचिवालय का जो प्रमुख होता है उसे महासचिव कहते हैं, उसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर
5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, और ये जो महासचिव है वो द्वारा भी नियुक्त किया जा सकता है। अगर हम यूनाइटेड नेशन की घोषणा के अनुसार देखें तो जो ये जो महासचिव होता है सचिवालय का, वो यूनाइटेड नेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी होता है, या इसको बोल सकते हैं प्रशासक अधिकारी होता है। अभी जो हमारे 1 जनवरी 2007 को दक्षिण कोरिया के वान की मून जो थे वो यूनाइटेड नेशन के नए महासचिव बने हैं, और इस प्रकार उन्होंने अपना एक कार्यकाल तो पूरा कर लिया है, लेकिन अभी ये उनका लगातार दूसरा कार्यकाल चालू है। हमारे भारत के जो नागेंद्र सिंह थे वो भी एक बार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया है। तो थैंक यू वेरी मच, ये एक छोटा सा डिस्कशन था, प्लीज़ रिमेंबर इट, थैंक यू।